हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टरबाइन। और टरबाइन को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से टरबाइन को समझते हैं। इस डायग्राम में यह है टरबाइन और यह है कंडेंसर, यह है सीपी और यह है बीएफपी बॉयलर फीड पंप और यह है बॉयलर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बीएफपी से बॉयलर को वाटर का सप्लाई किया जाता है। और यहाँ इस बॉयलर में वाटर को फ्यूल के कम्बशन होने के बाद वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ बॉयलर के आउटलेट में जो स्टीम हमें मिलेगा वो होगा प्रेशराइज स्टीम, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जिसका स्टीम होगी। यहाँ पे टरबाइन में स्टीम जाने से पहले एक कंट्रोल वाल्व लगा होता है। इस कंट्रोल वाल्व का काम है स्टीम को टरबाइन के अंदर अलाउ करना, मतलब प्रवेश कराना। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं इसका कंपोनेंट्स को। ये जो ऊपर दिख रहा है ये है अपर केसिंग, और ये जो नीचे दिख रहा है ये है लोअर केसिंग। और ये लंबा सा जो दिख रहा है रेड कलर का, ये है शाफ्ट, शाफ्ट या फिर रोटर बोल सकते हैं इसको, रोटर भी बोलते हैं। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यह है फिक्स्ड ब्लेड। ठीक है, ये जो फिक्स्ड ब्लेड है वो केसिंग है उस पर माउंट रहता है, और जो मूविंग ब्लेड है वो शाफ्ट के ऊपर माउंट रहता है। मतलब जो टरबाइन है वो कई ब्लेडों से मिलकर बना होता है, कई ब्लेडों के सेट से बना होता है। और इन जो ब्लेड्स के सेट के दोनों के बीच के जो क्लीयरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। नंबर ऑफ ब्लेड्स के सेट को देखिए, यहाँ पे तो मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड के सेट को स्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्राइम मूवर विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर स्टीम इन टू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। टर्बाइन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम सबसे पहले एक नोजल में इंटर करता है। ठीक है, जो इस तरह से दिखता है। इसका काम है प्रेशर को रिड्यूस करना और वेलोसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, इस नोजल का बेसिकली काम है प्रेशर डिक्रीज करना और स्टीम के प्रेशर को डिक्रीज करना और वेलोसिटी को बढ़ाना। और जो हाई वेलोसिटी स्टीम है वो सबसे पहले इस ब्लेड पर, जो मूविंग ब्लेड होता है उस पर इम्पैक्ट करता है। ये इस तरह से कर्व शेप में होता है और यहाँ पे एक रिलक्टेंट फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से ये टरबाइन शाफ्ट जो है वो रोटेट होने लगता है। तो क्या होता है टरबाइन में, सबसे पहले ये जो नोजल होता है वो यहाँ पे हाई वेलोसिटी स्टीम क्रिएट होता है और वो सीधा किस पे,
मूविंग ब्लेड पर इम्पैक्ट करता है और यहाँ पे क्या करता है, रिलक्टेंट फोर्स क्रिएट करता है और टरबाइन शाफ्ट को घुमाने लगता है। ठीक, इसके बाद स्टीम पास होता है डिफरेंस ब्लेड सेट के डिफरेंट स्टेजेस को, और देन बची हुई स्टीम जो होती है वो टरबाइन के एग्जॉस्ट से यहाँ से निकल जाती है और कंडेंसन में कंडेंस होकर वाटर फॉर्म में सीएफपी के थ्रू जनरेटर, और जनरेटर से बीएफपी, बीएफपी से फिर से बॉयलर में रीयूज किया जाता है।